सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एडिटिंग राजकुमार में। मेरा नाम राजकुमार है, आप देख रहे हैं एडिटिंग राजकुमार चैनल। सो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को फोटो पर कलर कैसे चढ़ाया जाता बताएंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सो फ्रेंड, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कैसे कलर चढ़ाया जाता है। आप लोगों को सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इसका नाम है फोटो एडिटर। इसको आप लोगों को डाउनलोड करके रख लेना है, तभी हो पाएगा भाई लोग। देखिए, चलिए हम इसको ओपन करते हैं और PNG ऑलरेडी आप लोगों को बनाकर रख लेना है, तभी होगा, उसके बाद एक काम करेगा एप्लीकेशन। चलिए इसको हम न्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फ्रेंड देखिए, यहाँ पर 3 लाइन दिया है नीचे में, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर टेक्स्ट इमेज दिया है, इस पर क्लिक कर देना है आप लोगों को। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर फाइल का ऑप्शन छपा है इमेज वाला, यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए, गैलरी का ऑप्शन दिया है, गैलरी पर क्लिक करेंगे तो गैलरी आपका ओपन हो जाएगा। जो भी आपको फ़ोटो का कलर चढ़ाना है फ़ोटो पर, यहाँ से जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम इस फ़ोटो पर चढ़ाते हैं। देखिए, PNG हम ऑलरेडी इसको बनाकर रखे हुए हैं, आप लोगों को बनाकर रख लेना, तभी होगा, नहीं तो ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगा भाई लोग। मतलब काम करेगा, हो नहीं पाएगा, सही होगा लेकिन PNG बनाए रहेंगे तभी होगा। तो फ्रेंड देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए आल दिया, आल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद हमें देखिए ऐसे एडजस्ट कर लेना है, जितना फ़ोटो पर कलर चढ़ाना है देखिए यहाँ तक हमें चढ़ाना है। उसके बाद यहाँ पर चढ़ाने के बाद देखिए, यहाँ पर दिया अप्लाई, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, देखिए चढ़ गया। एडिट भी आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। देखिए, हम पहले से इसको सेलेक्ट कर दिए, इसलिए नहीं होगा एडिट, यहाँ से एडिट हो जाता है। फ्रेंड देखिए, यहाँ पर पेंसिल का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर ये बंद हो गया है क्योंकि पहले से हम सेलेक्ट कर दिए, नहीं तो एडिट हो जाता। एडिट भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जब आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सेव नहीं तुरंत करना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर PNG इसको बना लेना है। देखिए यहाँ पर देखिए PNG में हो गया। उसके बाद फ्रेंड देखिए, यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर देखिए तीर दिया है डाउनलोड वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गैलरी, देखिए PNG पर रखना है इसे और किसी पर नहीं, PNG पर करके इसको गैलरी में सेव कर देना। देखिए सेव हो गया है। सो फ्रेंड, ऐसे आप लोगों को कर लेना है। फ्रेंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। सो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।